हेलो एवरीवन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं एक बार गौर से देखो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है ये स्पेशल आंसर है जो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है तो शुरुआत हो रही है सबसे पहले सी ए इंटर लॉ के पेपर के साथ सी ए इंटर लॉ में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैंने पंद्रह चैप्टर्स में क्लासीफाई किया है और उनमें से कुछ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं ये आप देख सकते हो बोर्ड पर ये ऐसे बना हुआ है दिस इज अ ट्वेंटी ट्वेंटी है और रेड हेडिंग सेपरेट चैप्टर तो पंद्रह चैप्टर्स है हर चैप्टर में से मैंने चुन चुन के क्वेश्चन निकाले हैं और उनका आंसर्स है आंसर्स भी मैंने डिजाइन किया ये लुक एट दी आंसर्स आंसर्स इस तरह से जैसे लाइंड कॉपी में स्टूडेंट लिखेगा ना उस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर मैं बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना हर बार ये मौका नहीं मिलता कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर तुम लोग से बात कर सकूं आज कर रहा हूँ और इस पर मैं बहुत काम भी कर रहा हूँ मैं आने वाले समय में अपने पढ़ाने के पूरे तरीके को चेंज कर रहा हूँ नई नई चीज़ें कर रहा हूँ एंड ऑल फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस का सीन ऐसा है कि जब हम थर्टी मार्क के एमसीक्यू की बात करते हैं तब तो कोई राइटिंग प्रैक्टिस की बात ही नहीं तो तो ऑप्शन में ओएमआर शीट भरना है लेकिन सर जो सेवेंटी मार्क है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरफ जहां हंड्रेड परसेंट कवरेज इंटेलिजेंट होना जरूरी है फॉर थर्टी मार्क ऑफ एमसीक्यू वहीं पर एक स्टूडेंट के अंदर राइटिंग स्किल भी जरूरी है एनालिटिकल स्किल भी जरूरी है फॉर द सेवेंटी मार्क ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो सेवेंटी मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में राइटिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया है मेरे क्वेश्चन मैंक्स जो होते हैं लॉ के उसमें से उसमें अराउंड 400 के आसपास क्वेश्चंस होंगे सारे चैप्टर्स मिला के ज्यादा ही होंगे मतलब कम तो नहीं तो ये इनमें से मैंने हर चैप्टर में से चुन चुन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस निकाले जो तुम्हारे राइटिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये तुम एक क्वेश्चन नंबर वन देख रहे हो क्वेश्चन नंबर वन मैं भी बत, क्योंकि पढ़ा डिस्कस करूं उसे बता देता हूं ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर है किसके ऊपर है सर ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर कि लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या है तीन तरह की कंपनियां लिखी हुई हैं आपको बताना है कि ये लिस्टेड मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी तो अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे अब तुम इसका आंसर दोगे ये देखो इधर आंसर कैसे देना है जैसा तुम एग्जाम में दोगे मैंने वैसा बनाया है ठीक है लाइन कॉपी मिलती है आपको एग्जाम में तो तुम भी एक काम करो घर में जो भी तुम्हारे पास लाइन कॉपी पड़ी हो नई कॉपी वेस्ट करने की जरूरत नहीं कोई पुरानी कॉपी अगर न्यूज जो उसमें पन्ने हैं तो वो ले लो और उसमें लिखने का प्रैक्टिस करो तो ये आंसर है तुम क्या करोगे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन और आंसर है ना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा तो वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे तुम मेरे टेलीग्राम में एक्टिव रहो वहां पर मैं शेयर करूंगा वहां से तुमको मिलते जाएंगे तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ देर आर टोटल ऑफ सेवेंटी सेवेंटी थ्री क्वेश्चन तो ये लॉ में ना मैंने सेवेंटी थ्री क्वेश्चन एकदम निकाले हैं चुन चुन के एक से बढ़िया एक जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं उससे क्या क्या फायदा होगा नंबर वन एक राइटिंग प्रैक्टिस होगा नंबर टू ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट टाइप के कि लंबे केस आते हैं उसके ऊपर एनालिसिस करके आंसर देना पड़ता है तो ये मॉडर्न टाइम्स के क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट करता है इट्स नॉट अ डायरेक्ट सिंगल लाइन क्वेश्चन मॉडर्न टाइम्स में जो पेपर आ रहे हैं उन्होंने फाउंडेशन का पेपर वैसा कर दिया मैं तो आश्चर्य में पड़ गया आज एक स्टूडेंट आया था फाउंडेशन का पेपर मतलब इंटर का एडमिशन लेने आया था वो लॉरिड एसम का एडमिशन लिया जेवियस कॉलेज का स्टूडेंट था मतलब जेवियस एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है कालकड़ा में उसका स्टूडेंट था तो जी डी बैच लेने आया था और उसने मुझसे फाउंडेशन के बारे में बातचीत चालू कर दी तो मैंने बोला ठीक है एक बार दिखाओ कैसा होता है वो दिखाना चाहता था तो उसको लॉ में शायद फिफ्टी एट मिल होंगे सौ माख के पेपर में चूंकि रिटर्न पेपर होता है मैं तो चकरा गया कि फाउंडेशन का जो पेपर है वो तो इंटर से भी ज्यादा टफ होने लग गया है क्योंकि फाउंडेशन के लॉ के पेपर में तो एमसीक्यू है नहीं वो तो पूरा सौ मार्क का रिटर्न पेपर है डिस्क्रिप्टिव और उनको टोटल अटेम्प्ट करने थे बीस बीस मार्क के पांच क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी था और बाकी पांच माँ चार करने थे बीस तो मार्के पांच क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन के अंदर वही दो मार्क तीन मार्क चार मार्क दो मार्क तीन मार्क भरा हुआ है यार इतना लंबा पेपर केस स्टडी टाइप का पूरा हो ऐसे केस वाले क्वेश्चन और फिर आंसर लिखना है फाउंडेशन का स्टूडेंट कब से ऐसा करने लग गया भाई वो तो बेचारा पागल हो जाएगा फाउंडेशन का तो मैंने उसको बोला कि यार तुमको 58 भी मिले 100 में से दैट्स अ वेरी वेरी गुड फाउंडेशन में इतना लाना मतलब तुम तो मतलब इंटर में फाड़ दोगे इंटर में तो तुमको और भी फायदा हो जाएगा तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा आराम से तुम अस्सी ठोक सकते हो तो अभी आजकल ये ट्रेंड हो गया है तो मैंने क्या किया है यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको डाले हैं ना ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस है नो इट विल ऑल्सो गिव यू द लेटेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं इट इज टॉपिकल रिविजन टॉपिकल रिविजन क्या होता है ये इसका तीसरा फायदा है जब आप लिस्टेड कंपनी का क्वेश्चन पढ़ोगे ठीक है आपने क्वेश्चन पढ़ा लिस्टेड कंपनी का ऐसे ऐसा फिर आप यहाँ पे आके आंसर पढ़ोगे जैसा एग्जाम में लिखोगे वैसा ही सबसे पहले अपने सेक्शन बताएंगे सेक्शन नंबर टू का फिफ्टी टू लिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी एक्सचेंज फिर तुम बताओगे कि प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज लिस्टेड होने के बावजूद भी उनको एक्सेप्शन में डाल रखा है वो ये तीन कंपनियां हैं ये नंबर वन ये नंबर टू ये नंबर थ्री ऐसे तो लिखेंगे ना एग्जाम में सर हम लोग एग्जाम में थोड़ा के बोल्ड लाइन बोल्ड लाइन करोगे तो कर नहीं सकते एग्जाम में तो एग्जाम में ऐसे लिखोगे वन टू थ्री तो जब तुम ये क्वेश्चन और इसका आंसर पढ़ोगे तो एक बार तुम्हारा लिस्टेड कंपनी भी तो रिवाइज हो गया इसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल रिविजन एक होता है फुल रिविजन या मैराथन जहां पे सारे टॉपिक्स पढ़ाओ बैठ के और सारा रिविजन मैराथन करा दो वो तो हो गया ये है टॉपिकल क्वेश्चन आंसर के बहाने जब सेवेंटी थ्री क्वेश्चन डाले उसी के बहाने आप लॉ के सिलेबस में 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी कर रहे हो इसको बोलते हैं टॉपिकल मतलब पूरा रिवीजन ही उस टॉपिक का रिवीजन जब तुम ये आंसर पढ़ोगे और लिखोगे तो भाई लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन तो परमानेंट याद हो गया ना तो आप सोचो इन इसके बहाने इस रिटर्न प्रैक्टिस के बहाने एक तो जब तुम इसको आंसर को ऐसे देखते हो कि हाँ भाई आंसर तो ऐसा कोरा चट्टाएगा एग्जाम में अपने को तो अंडरलाइन वाली कॉपी में ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है और फिर कॉन्क्लूजन बोलना पड़ेगा जब तुम इस तरह से पढ़ोगे अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सपोज वो सब्सिडरी के ऊपर है ये सब्सिडरी वाला क्वेश्चन होता है रॉम्बस वाला ठीक है तो तुम देखोगे अच्छा इसका आंसर ऐसे लिखना है सेक्शन का 87 करके एक्सप्लेनेशन में ये दो बातें बतानी फिर आंसर वन टू जब तुम इस तरह से देखते हो तो तुमको एक एहसास होता है कि एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा और तुम ऐसे पढ़ के एग्जाम में वैसे लिखने की कोशिश करोगे तो रिटर्न प्रैक्टिस हो गया सेकंड रिटर्न प्रैक्टिस के अलावा एक बहुत सुंदर बढ़िया केस स्टडी वो हो गया एंड थर्ड टॉपिकल रिविजन वेन यू डू दिस सब्सडेरी कंपनी का डेफिनेशन भी याद हो जाएगा तो अभी सारे आंसर्स नहीं बने बिकॉज मुझे इस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ना मैंने अलग से ही आंसर्स बनाए हैं तुम लोगों के लिए तुम अगर इन आंसर्स को मैच कराओगे तुम मेरे क्वेश्चन मार्ग से तुम बोलोगे क्वेश्चन मार्ग सर अलग तरह से देते हैं यहाँ अलग तरह से बिकॉज वहाँ पे तो बहुत बढ़िया तरह से होता है सजा के एग्जाम में तो कोई वैसे नहीं करेगा एग्जाम में तो एकदम नंगा आंसर रहेगा जैसे ऐसा है ठीक है बिना कोई अंडरलाइन बोल्ड वगैरह के एकदम इस तरह से रहेगा ठीक है मैंने कई आंसर्स को छोटा भी किया जो तुम एग्जाम में लिख सकते हो अटैम्प्ट कर सकते हो तो इस तरह से इस फॉर्मेट में इन क्वेश्चन आंसर्स को आंसर्स को बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैंने अभी अभी जो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ देख लो आप ये टोटल क्वेश्चंस एकदम तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस की फाइल है पूरी 21 पेजेस की तो ये फुल क्वेश्चन है ऑल द सेवेंटी जितने भी क्वेश्चन थे सेवेंटी वन थ्री जो भी वो सारे क्वेश्चन हर चैप्टर्स के मिला के एक साथ मैं भी टेलीग्राम में पुट कर दूंगा तो वो क्वेश्चन तुमको मिल गए कि हाँ भाई सर ये क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है एग्जाम में कुछ डेढ़ महीने के आसपास है तुम डेली अगर दो 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 क्वेश्चन भी करोगे तो मतलब बहुत बढ़िया हो गया तुम्हारा लॉ का जो लिखने का लेवल है एकदम आकाश कुसुम हो जाएगा आई एम गारंटिंग यू कि अगर तुम ये सत्तर क्वेश्चन ये जितने भी सत्तर तिहत्तर है तुम अगर लिक लिक ये लिख लिख के प्रस मैं बोल रहा हूं तुम्हारे लॉ का लेवल ऊपर जाएगा जाएगा ही बिकॉज एक बार जब तुमको मजा आने लगेगा ना तुम अपने आप को में रोकोगे नहीं तुम उठा के लॉ की किताब पूरा दन 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 पढ़ना रिवाइज करना चालू कर दोगे आई एम टेलिंग यू तुम्हारे लॉ का मार्क्स कम से कम भी अगर ऐसे फॉलो करते हो रिटर्न प्रैक्टिस लॉ के जो अभी जो एग्जाम होने वाला डेढ़ महीने में उसमें तुम्हारा मार्क्स कम से कम भी बीस मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा ना करोगे तो सपोज तुम्हारा एक्स आता तो एक्स प्लस ट्वेंटी आएगा अभी वो मत बोला कि सर मेरा तो नाइन्टी आने वाला था तो एक सौ दस वैसा नहीं है पर जनरली बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा तुम्हारे लॉ पेपर के मार्क्स पर अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो अब क्वेश्चन वाली फाइल तो तुम देख रहे हो वो तो नॉर्मल है जैसे होती है तो वो तो अंडरलाइन वाली नहीं है तो ये तो मैं अभी रेडी है मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा पर सर आंसर्स वाली फाइल है ना इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है इस तरह से क्योंकि मैं पर्सनली एक एक आंसर को बैठ के मान रहा हूं कि यार ऐसे लिखेगा स्टूडेंट ऐसे लिखेगा ऐसे लिखेगा ये लिखने का स्टाइल होगा एग्जाम में तो दिस इज टेकिंग अ लॉर्ड ऑफ माई टाइम तो अभी जो आंसर्स की फाइल तुम ये बोर्ड पर देख रहे हो इसमें मेरे ख्याल से फिफ्टीन आंसर्स है मतलब पहले पंद्रह क्वेश्चन के आंसर है तो एक बार पंद्रह क्वेश्चन के जो आंसर है ये मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा तो आप ये पंद्रह क्वेश्चन आपको लगेंगे पाँच छः दिन प्रैक्टिस करने में डेली अगर दो दो करोगे तो सपोज़ हफ्ते भर लगेंगे प्रैक्टिस करने में इतने में और भी पंद्रह के बाद जो भी और भी आंसर्स है सत्तर तक आंसर्स है वो धीरे धीरे मैं रेडी करके वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर ठीक है मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर इसका आंसर्स भी आप दोगे क्या अरे देंगे बिल्कुल देंगे और अलग टाइप का देंगे ये आंसर्स तुम देख रहे हो मेरी नॉर्मल आंसर बुक इस तरह की होती तो नॉर्मल आंसर बुक तो प्रिंटेड होती है जिसमें हर आंसर में बोल्ड अंडरलाइन समझाया हुआ माय एक्सप्लेनेशन सब कुछ रहता है यहां वो सब नहीं है ये सब एकदम बेयर एंसर है जो स्टूडेंट एग्जाम में जाके लिखेगा एग्जाम में ऐसी तो कॉपी मिलती है ऑनलाइन वाली ऐसी तो कॉपी मिलेगी आपको छत्तीस पने का थर्टी बुकलेट मिलेगा ये मेरे पास बुकलेट है ये ओरिजिनल आईसीए का आंसर बुकलेट है ये सामने दो पेज का कवर पेज होता है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम में शेयर किया था और फिर पेज नंबर थ्री से लेकर पेज नंबर थर्टी सिक्स तक ये बुकलेट होती है अनलाइन की हुई एकदम ऐसी होती है अनलाइन कॉपी तो ये अनलाइन वाली आपको जो आंसर शीट मिलेगी आपको ऐसे एकदम पढ़ना है और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है ठीक है हर आंसर ये देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये आंसर वन है वहाँ आंसर टू है वहाँ आंसर थ्री आंसर फोर लंबा है दो पेज तक जा रहा है आंसर फाइव है सिक्स है ऐसे करके चल रहा है तो पंद्रह आंसर हैं ठीक है अब तुम लोग इसको करोगे कैसे राइटिंग प्रैक्टिस का तुम्हारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मैं सिंपल बता रहा हूँ सबसे पहले तो यह मत सोचना कि ओके चलो लॉ का चैप्टर वन रिवाइज करते हैं फिर जाके इसको करेंगे ना आपको सिर्फ वो टॉपिक आना है और कुछ नहीं और वो तुमको आंसर से पता चल जाएगा तुमको सिर्फ क्या करना है पहले क्वेश्चन नंबर वन है पढ़ो फिर आंसर भी मैं साथ में दे दूंगा टेलीग्राम में आंसर को भी पढ़ो आंसर को, को पढ़ो याद करो फिर ढक दो आंसर को और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के एक लाइन वाली कॉपी लो रूल्ड कॉपी उसमें आंसर लिखना चालू करो अपने आप देखो कितना लिख पा रहे हो कैसा लिख पा रहे हो फिर अपने हाथ के लिखे हुए आंसर को ये वाले आंसर से कंपेयर करो और देखो हाउ क्लोज यू आर कभी अच्छा होगा कभी खराब होगा पर करते रहोगे करते रहोगे तो लय पकड़ लोगे बाय द एंड ऑफ दो सेवेंटी क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस रिटर्न बहुत जबरदस्त हो जाएगा उस पर फर्क पड़ेगा आई एम टेलिंग यू डिस्क्रिप्टिव में फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे मार्क्स का ओके okay. क्योंकि जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं और जब हम लोग अच्छा लगता है ना तो वी विल नॉट कन्फाइन आवर सेल्स ओनली टू सेवेंटी क्वेश्चन वी विल गो बियॉन्ड दैट अपने आप नेचुरल इफेक्ट होगा वो ठीक है तो ये दो फाइल्स मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन तो पूरे हैं ये जैसा कि मैंने बताया आपको सारे के सारे डाल रहा हूँ पर आंसर्स अभी रेडी करने में टाइम लग रहा है तो आंसर्स अभी पंद्रह आंसर्स और भी आते जाएंगे टेलीग्राम में ठीक है तो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस की मेरी परंपरा स्टार्ट हुई है आई विल डू इट फॉर ऑल माई सब्जेक्ट्स एट ऑल लेवल्स अभी शुरुआत हुई है सी ए इंटर लॉ से पर आगे जाते हुए हर कोर्स हर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ उन सब में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा ठीक है ऑल द बेस्ट एंड आई होप तुम जेन्यनली इसका फायदा उठाओ ज़्यादा नहीं डेली दो दो क्वेश्चन करके लिख लो तो सत्तर तिहत्तर क्वेश्चन है आई थिंक थर्टी फाइव डेज के अंदर ख़त्म होता दिखेगा ठीक है और बहुत फायदा होगा तुमको ना सिर्फ तुम, मतलब देखो एक चीज़ में मेहनत तो को दूसरा फायदा हो जाएगा जैसे आज अगर तुम लॉ की रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे तुमको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फर्क फर्क पड़ेगा तुम्हारा वहां पर भी हाथ थोड़ा खुलने लग जाएगा रिटर्न प्रैक्टिस को लेकर ओके थैंक यू